हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं संडे ओवरव्यू दूंगी, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इंडोर गार्डन है, ये इधर मनी प्लांट, ये देखिए, और ये सिंगोनियम, ये क्रोटोन, और ये डिफेंड बेकिया। काफ़ी टाइम से मैंने अपने इंडोर प्लांट्स नहीं दिखाए, तो मैंने सोचा आज मैं अपने इंडोर प्लांट्स भी दिखाऊंगी आपको। ये सब देगा, और ये पर्पल हार्ट। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं जल्दी दिखाऊंगी आपको जल्दी जल्दी। और ये मनी प्लांट मेरी DIY बोटल में, ये देखिए, ये पर्पल हार्ट। सभी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं इस समय। ये देखिए, ये टर्टल वाइन, इसकी हाइट काफ़ी लंबी हो गई है, करीब 4-5 फुट। और ये मेरा स्नेक प्लांट, सॉरी, ये एलिफेंट ईयर, काफ़ी बड़े हो गए इसके लीव्स। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया या ड्रेसीना, ग्रीन कलर। और इसमें एक मनी प्लांट की कटिंग हुई है, पर्पल हार्ट। ये देखिए, इस पर फ्लावर्स छोटा सा। तो ये मेरा इंडोर गार्डन है, यहाँ मॉर्निंग की 2 या 2.5 घंटे की सनलाइट मिलती है बस। और दूसरी साइड ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, पर्पल हार्ट, और ये मेरे जेड प्लांट, ये देखिए। और इधर ये रियो बोटली हैंगिंग बास्केट में, कई जगह मैंने इसको लगा रखा है। और ये सिंगोनियम काफ़ी बड़ा हो गया है ये। और ये मेरे क्रिसमस ट्री, और इधर पर्पल हार्ट, ये देखिए, छोटे से जो हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं उसके साथ आया था ये पॉट, इसमें लगे हुए आते हैं जो पौधे, उसमें अच्छे से चल रही है पर्पल हार्ट। और ये मेरा एरिका पाम, ये काफ़ी सुंदर लगते हैं ये प्लांट देखने में। और इधर ये सामने थूजा मोरपंखी इधर साइड, और ये एस्पेरिगस वाइन है, इसी में ये मॉर्निंग ग्लोरी। और ये जेड प्लांट, जेड प्लांट की लीफ देखिए बहुत ही सुंदर हो गई है, ये काफ़ी थिक हो गई है, मोटी मोटी सी, और इसने ऐसी सेप बना ली है अपनी, ये देखिए। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था, जेड प्लांट मैंने कई जगह लगाया है, सब कटिंग से। ऊपर कोचिया और ये बोट लिली, और ये वही टर्टल वाइन, इसकी करीब 5 फीट की। इसकी करीब 5 फीट की हाइट हो गई है, देखिए। ऊपर इसमें पर्पल हार्ट भी है, वॉन्डरिंग जियो भी है ये, और ये अलग है, देखिए पूरा जमीन तक, ये देखिए पूरा जमीन तक पहुंच गई है ये एस्पेरिगस। ये पेंसिल कैक्टस, और ये बाहर मेरी मधुमालती, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं देखने में। और उधर ये जेड प्लांट, और इधर एक और ड्रेसीना, और ये पेंडल है इधर की साइड, ये क्रिसेंथेमम है, और कॉस्मोस, ये तो अपने आप ही सीड से ग्रो हुआ है, ये देखिए। और ये मॉर्निंग ग्लोरी इस समय बंद हो गई है, क्योंकि अब दोपहर का टाइम है तो ये बंद हो गई। और ये पर्सलेन खिले हुए हैं येलो कलर, देखिए। तो ये सभी मेरे इंडोर प्लांट हैं, यहाँ करीब 2 या 3 घंटे की सनलाइट इनको मिलती है मॉर्निंग की। तो ऐसे दिखते हैं मेरे ये इंडोर प्लांट। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेरेस गार्डन है, ये देखिए, ये अपराजिता,
ये देखिए मॉस रोज रेड कलर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ कल से बारिश हो रही है और इस समय थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए ये कॉस्मोस तो सब जगह निकल आए हैं, और ये क्रिसेंथेमम लास्ट ईयर की, और ये पर्सलेन, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये फ्लावर्स देखने में। एक इसमें गलाडिया भी है और खूब हैवी फ्लावरिंग इनमें हो रही है, और एक गलाडिया ये भी है देखिए। सनफ्लावर, सनफ्लावर तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे यहाँ खिलते हुए, और ये मैंने कुछ गलाडिया के सीड डाले थे येलो कलर, वो निकल आए हैं। और एक ये रोज दर्जट रूपा रेड कलर और पर्सलेन, और ये गॉम फेरना खूब अच्छे से चल रहे हैं। और ये मेरी इनमें फ्लावरिंग कम हो गई है अब, बाकी पर्सलेन तो बहुत अच्छे से खिलते हैं। ये देखिए, और ये मेरा एक बैंगन का प्लांट है जो टायर प्लांटर में लगा हुआ है, इसी में सदाबहार भी है। और ये मेरा हिबिस्कस, बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर्स देखने में फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये कॉस्कॉम में तो ये इसका फ्लावर्स भी निकल आया पिंक कलर। और ये कड़ी पत्ता, सभी प्लांट गीले गीले हो रहे हैं। ये देखिए, कल से हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है, सुबह से भी बारिश हो रही थी तो फिर अब थोड़ी कम हुई है। ये देखिए, अभी छोटी छोटी बूंदें तो पड़ी रही हैं। ये देखिए कितने फ्लावर्स इस पे आए हुए हैं, एक दो तीन, और एक नीचे वो चार, और एक ये पांच, छः, और एक ये सात, और एक ये आठ, और खूब सारी कलियां बनी हुई हैं। ये देखिए, इसको मैं हटा दूंगी, स्प्रे करूंगी नीम ऑयल की। मिलीबग्स का अटैक इस पर सबसे ज़्यादा होता है, तो मिलीबग्स को हमें नहीं लगने देना अपने प्लांट पर। ये देखिए, ये पर्सलेन और पोर्चुलाका को तो मैंने कई जगह लगाया है। ये देखिए, ये तो पॉट पूरे ढक गए हैं, ये पूरे नीचे तक इतनी लटक गई है ये पर्सलेन, पॉट को कवर कर लिया, पॉट नहीं दिखाई दे रहा इससे। ये देखिए, और ये मेरा पीवीसी पाइप प्लांटर, इसमें भी अब फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरा रेड कलर का एक जोड़ा, और ये वाइट पर्सलेन, और ये ओलियंडर पिंक कलर। ये देखिए इस पे फ्लावर्स भी आया है। और इधर ये पोर्चुलाका, और ये रेन लिली, बहुत ही सुंदर लगते हैं इस समय, इसमें खूब फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, एक और पीवीसी पाइप प्लांटर है मेरा, और ये कन्नेर येलो कलर की। और ये देखिए हिबिस्कस में कितना बड़ा फूल है, ये देखिए डबल पेटल में। और आप इसकी येलो कलर की जो लीव्स हो जाती हैं येलो, उनको हटा दीजिए अपने प्लांट से, ताकि इसमें फंगस ना लगे, बरसात के दिनों में फंगस लगने का डर रहता है। और बहुत सारी कलियां इस पर बनी हुई हैं फ्रेंड्स, खूब फ्लावरिंग मेरे इन प्लांट में हो रही है, सिंगल पेटल में और डबल पेटल में, दो पेटल में मेरे पास है, एक हाइब्रिड भी है। और ये इधर मेरे कोचिया, एक ये भी मेरा टायर प्लांटर है, इसमें भी ये कॉस्मोस अपने आप निकल आए हैं। इसमें देखो फ्लावरिंग हो रही है, ये तो आप एक बार अपने गार्डन में लगा लीजिए, हर बार अपने आप ही निकल आते हैं। ये देखिए, एक और कन्नेर मैंने एक और लगाई थी, और इसमें मिंट भी है, और एक और जटरूपा में फ्रेंड्स मेरे ये सीड बन गया है। ये देखिए, इसको आप कटिंग से लगा लो या सीड से। ये देखिए, अभी मैच्योर नहीं हुआ,
और ये मेरा मोंगरा, मैक्सिकन पिटोनिया, और ये सभी क्रिसेंथेमम, और ये मेरे अगेव वेरिकेटेड और देसी और पेंसिल कैक्टस। ये देखिए येलो कलर की रेन लिली, इसमें कितनी सीड पॉट हैं, ये देखिए बहुत सीड पॉट तो मैंने इसके निकाल लिए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं। ये देखिए येलो कलर की है ये मेरी रेन लिली, चार या पांच जगह मैंने इसको लगाया है। और एक और हिबिस्कस, इसकी लीव्स थोड़ी येलो येलो सी हो रही हैं, मैं इसमें स्प्रे करूंगी एप्सम सॉल्ट। ये देखिए, और ये हरसिंगार, ये तो अभी छोटा ही है, और ये मेरा शमी, और ये सभी बाउंड्री पर रखे हुए मेरे ये गलाडिया, और एक मेरे ये येलो कनेर। येलो कनेर में भी खूब फ्लावरिंग हुई थी, देखिए इसमें सीड भी बन गया। इसको लगाना भी बहुत आसान है, सीड से लगाओ या इस समय कटिंग से, मानसून है तो इस समय कटिंग से ये इजीली ग्रो हो जाएगी। और इधर मेरी ये बुगनविला, और ये देखिए कैप्सिकम, ये देखिए ये मैंने विंटर में लगाई थी, और एक ये भी, इस पर मैंने फंगीसाइड की स्प्रे की थी क्योंकि इसकी लीव्स मुड़े मुड़े से हो गए हैं। और ये देखिए चांदनी के प्लांट में अपराजिता, ये मेरी सिंगल चांदनी है, लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया था, खूब फ्लावरिंग इसमें हो रही है, आज फ्लावरिंग थोड़ी कम है इसमें। ये देखिए अपराजिता, इसमें अपराजिता की वाइन भी है एक। ये मेरी पर्सलेन, और इधर ये नागचंपा, नागचंपा में अभी कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा प्लांट, छोटा ही है। और इधर ये 4 o'clock, और ये मेरा वाइट एगजोरा, बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स देखने में, काफी पुराने भी हो गए हैं, ये देखिए ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं अब। और ये प्लूमेरिया, और एक और प्लूमेरिया, प्लूमेरिया के मेरे पास 3 प्लांट हैं। और ये कैना लिली, जिसकी लीव्स मैरून कलर की हैं, देखने में लीव्स भी काफी सुंदर लगती हैं, फ्लावर्स भी बहुत सुंदर आता है इस पर। और ये मेरा एक और हिबिस्कस, हिबिस्कस के मेरे पास ऐसे सिंगल पेटल के 5 प्लांट हैं और डबल पेटल में 2 प्लांट। ये देखिए ये डबल पेटल, इसमें खूब फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स, मैं हर 15 से 20 दिन में इसमें बनाना पील का फर्टिलाइजर देती हूँ, और मैं अपने प्लांट में ज़्यादातर सभी प्लांट में काउडंग का प्रयोग करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसी को देती हूँ मैं। और ये मेरा एक देसी रोज, ये देखिए, और एक और हिबिस्कस, इसकी वेरिकेटेड लीव्स हैं वाइट और ग्रीन, ये देखिए इसमें काफ़ी संख्या में देखो फ्लावर्स आए हैं, बहुत फ्लावरिंग इसमें होती है, देखिए अनगिनत फूल हैं इसमें। और ये मैंने एक 3 प्लांटर बनाया था, उसी में लगा रखा है, ये बहुत प्लांट मैंने अपने 3 प्लांटर में लगा रखे हैं, जो हमारे घर में इसमें ऑयल आता है वो खाली हो जाते हैं, फिर बेकार इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उससे तो अच्छा है हम अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल करें। ये देखिए कितने फ्लावर्स इस पे आए हुए हैं, ये मेरा पूरा प्लांट मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए दूर से मेरे गार्डन का ये व्यू ऐसा आता है, ये देखिए। ये जो मैंने अभी दिखाई थी वही है, देखिए कल इस पर ये फ्लावर ये खिला था, और कितनी सारी कलियाँ इस पर बनी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा हो गया है मेरा ये प्लांट, तो मैं आपको अब दूर से दिखाती हूँ अपना ये गार्डन। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है देखने में। और इधर मेरी ये जेड प्लांट और रियो बोट लिली, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। जेड प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, मैंने इन सबको कटिंग से लगाया है, ये देखिए। और ये इसकी कटिंग तो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, और खूब अच्छे से चल गई है, छोटी सी कटिंग भी देखो बहुत ही अच्छे से चल गई है ये। और एक मेरा ये कैक्टस, और ये मेरे DIY हैं सभी,
अरे ये रहा क्यूट सा, बहुत ही क्यूट सा है ये तो। और ये हनी भी, हनी भी मैंने बनाई थी वॉल पुट्टी से। ये वाइट पर्सलिन, काफ़ी फ्लावर्स इस पर आए हुए हैं ये देखिए, बड़े बड़े। और इसमें अगेव वेरिकेटेड, और ये मेरा मदर प्लांट है जेड प्लांट का। और ये उधर तुलसा जी और मैक्सिकन पिटूनिया। और मेरे ये न्यू प्लांट में खूब फ्रूटिंग हो रही है ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से हैं अभी, लेकिन पूरा प्लांट फ्रूटिंग से भरा है मेरा, छोटे छोटे से। ये देखिए एक और मेरा ये प्लूमेरिया, इस पर बर्ड बनी है लेकिन अभी खिली नहीं है, ये बहुत बड़ा मेरा प्लांट हो गया, इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेन लिली पिंक कलर की, इसमें कोई फ्लावर्स नहीं है, ये नॉट टच मी। इसके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, पिंक कलर के। ये देखिए, और एक ये मधुमालती, और इसमें 4 o'clock भी है। और एक इसमें ये दो प्लांट मिर्ची के भी हैं, ये देखिए छोटी छोटी मिर्चियाँ अभी, इसमें से 4-5 मिर्ची मैंने तोड़ भी ली थी कल परसों। ये देखिए, तो ये अपने आप ही ग्रो हुआ है, मैंने इसको ग्रो नहीं किया था। और ये मेरे सनफ्लावर, सनफ्लावर को खिलते खिलते बहुत टाइम हो गया, तो काफ़ी पुराने से भी हो गए मेरे ये प्लांट। और इसमें एक रोज भी है, और ये अपराजिता, इसमें निकल आई सीड से। और इधर मेरे ये बाउंड्री पर रखे हुए कुछ क्रेसेंथेमम, ये देखिए अडेनियम में भी फ्लावरिंग बर्ड आ गई, इसमें बहुत ही सुंदर रेड कलर का फ्लावर्स आता है। और ये जीनिया, जीनिया के मेरे पास कई प्लांट थे लेकिन वो सभी खराब हो गए, मेरे पास अभी एक ही प्लांट बचा है रेड कलर में, थोड़ा ऑरेंज सा कलर है इसका, तो ये इसी में लगा है मेरे अडेनियम में। और ये देखिए टिकोमा, टिकोमा में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग हो रही है इस समय। और इधर ये सभी जेड प्लांट, अरे साइकस, ये देखिए कितना भी छोटा वीडियो करना चाहें लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा ही हो जाता है। ये सभी मेरे कैना लिली, और ये सुदर्शन, ये देखिए पर्पल हार्ट, और ये मेरा मोंगरा, मोंगरा में भी बर्ड आती हैं डेली, इसमें एक दो फ्लावर्स भी आते हैं। और ये मेरा इंग्लिश रोज, ये देखिए इंग्लिश रोज में कई फ्लावर आए थे, अब 2-3 फ्लावर तो इसमें से झड़ गए बारिश में, पुराने हो गए। और ये देखिए ये मेरी टिकोमा वाइन, मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, और इसमें ये देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई, लास्ट ईयर लगाया था मैंने इसको कटिंग से, और ऊपर भी फ्लावरिंग बर्ड आई हुई हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा गार्डन ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।